पुरुषों को बेशर्म होकर करने चाहिए ये तीन काम। शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे पर उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ विश्व की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक थी, जिनका अनुसरण असुर क्या स्वयं देवता भी किया करते थे। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे कर्मों का वर्णन भी किया जिसे बेशर्म होकर करना चाहिए। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से कुछ ऐसी तीन चीजों के बारे में बताया है जिन्हें स्वीकारने अर्थात लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। साथ ही तीन ऐसी चीजों का वर्णन भी किया है जिसे देने में अर्थात प्रदान करने में संकोच या किसी तरह की कोई शर्म करनी चाहिए, क्योंकि ये वो शिक्षा ही है जो आपको तरक्की के मार्ग पर आगे भी ले जा सकती है और आपके सफलता के मार्ग को बाधित भी कर सकती है। चलिए पहले बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार ऐसी तीन चीजों के बारे में जिन्हें स्वीकारने या लेने में किसी भी मनुष्य को बिल्कुल बेशर्म हो जाना चाहिए। पहली चीज है विद्या। शुक्राचार्य के अनुसार एक बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी ज्ञान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। उसे समाज की सभी विभिन्नता को पीछे छोड़ते हुए इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करना होगा कि उसे ये ज्ञान देने वाला कोई दलित है, छोटा बच्चा है या फिर कोई दरिद्र व्यक्ति, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है जो जीवन के हर पथ पर काम आती है और कोई मनुष्य चाहे तो कभी भी किसी भी उम्र के इंसान से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बशर्ते हैं उसे अपने अंदर मौजूद शर्म और हिचकिचाहट को छोड़ना होगा। दूसरी चीज है औषध। मित्रों, शुक्रदेव के अनुसार यदि कोई मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे कभी भी उसका उपचार लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो उपचार किसी भी व्यक्ति के द्वारा बताया गया हो चाहे फिर क्यों न हो। व्यक्ति कोई गरीब हो, नीच कुल का हो, प्रतिद्वंदी हो या शत्रु ही हो, उसे अपनी बीमारी को सही करने के हर संभव और उचित उपाय करने चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इसमें किसी प्रकार की कोई भी शर्म करता है तो उसे भविष्य में इसका भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब आते हैं तीसरी वस्तु पर जो कि है स्त्री रत्न। शुक्रदेव कहते हैं कि एक बुद्धिमान मनुष्य वही है जो स्त्री रत्न अर्थात उत्तम गुणों वाली स्त्री को चुनता है, फिर चाहे वो किसी नीच कुल की ही क्यों न हो, गरीब हो, भले ही ज्यादा सुंदर न हो, उसे अपनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊंचे कुल की दुष्ट स्त्री से विवाह करने से उसे जीवन भर जो मानसिक तनाव और दुख का सामना करना पड़ता है उससे अच्छा है कि व्यक्ति को एक उत्तम गुण की स्त्री को रूप रंग को नजरअंदाज करते हुए बिना देर करे उसके साथ शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने सुना होगा वो स्त्री ही है जो एक घर को या तो स्वर्ग बनाती है या फिर नरक। ये तो थी शुक्र नीति में वर्णित वो चीजें जो किसी भी मनुष्य को समय रहते ही ले लेना चाहिए और शर्म को त्याग देना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्रदेव द्वारा बताई गई ऐसी तीन चीजों के बारे में जिन्हें भूल से भी लेना नहीं चाहिए। पहला, बिना दिए न ले। शुक्राचार्य बताते हैं कि किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को किसी व्यक्ति की तुक्ष से तुक्ष कोई भी वस्तु बिना कुछ दिए नहीं लेनी चाहिए। यदि आप किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में उसे कुछ न कुछ जरूर दें। कभी भी मुफ्त की वस्तुओं को न स्वीकारें, क्योंकि ये अनुचित है और भविष्य में अनर्थ का कारण भी बन सकता है। दूसरा, किसी का पाप न कहें। शुक्र नीति के अनुसार मनुष्य को कभी भी दूसरों द्वारा किए गए पाप को किसी तीसरे अर्थात अन्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, चाहे वो पाप कितना भी छोटा क्यों न हो। कोई पूछे फिर भी उसका ये पाप सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। इसका एक अर्थ ये भी हुआ, आपको कहने के साथ किसी अन्य व्यक्ति से जुड़े पाप और अपशब्दों को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहिए। तीसरा, पराई स्त्री या दूसरे की पत्नी। शुक्रदेव कहते हैं कि किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को किसी दूसरे की पत्नी दूषित नहीं करनी चाहिए, चाहे वो स्त्री सामने से लाख कोशिशें क्यों न करे, पर ऐसी स्त्री से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन स्त्री को अपने चरित्र और उसके सम्मान से ज्यादा मतलब नहीं होता। किंतु हाँ, यदि ये बात समाज में सबके बीच फैल गई तो आपको जरूर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से तो इसे एक घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए जितना हो सके ये गलती करने से बचें।